आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कम्प्रोमाइज ओनली न्यूज। ड्रग विभाग ने 2 करोड़ रुपए की कीमती दवाओं का जखीरा पकड़ा। जहरीली शराब के सेवन से मौत के प्रकरण के बाद हरकत में आए ड्रग विभाग ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। रविवार को विभाग ने बन्ना देवी इलाके में बरौला जफराबाद चौक में एक मकान में संचालित अवैध दवा गोदाम पकड़ा। यहां से 2 करोड़ रुपए की दवाओं का जखीरा पकड़ा गया। यह गोदाम पूर्व पार्षद अशोक के मकान में संचालित मिला। इसमें कोडिन सिरप की 1300 बोतल, 2.88 लाख ट्रमाडो हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल मिले। खांसी के उपचार में इस्तेमाल होने वाले कोडिन सिरप को नशे के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है, वहीं कैप्सूल का इस्तेमाल पेट दर्द में होता है। किराए के मकान में ये खेल चल रहा था। मकान मालिक व लाइसेंसी फरार है। मौके से नौकर को पकड़ा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से इस मामले में बन्ना देवी थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यह कार्रवाई अलीगढ़ सहित एटा, हाथरस, कासगंज के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना मिली थी यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं जो गड़बड़ है, उस वजह से हमने और पुलिस ने मिलकर संयुक्त टीम बनाई। सहायक आयुक्त औषधि अलीगढ़ मंडल के, टीम बना के आगरा मंडल के और कासगंज और एटा मंडल के DIO को साथ बुलाकर टीम बनाई गई और यहाँ पे छापेमारी की गई। एक शहीद मेडिकल एजेंसी के नाम से एक लाइसेंस जारी हुआ था करीब 5 साल पहले, उसी पे ही उसके गोदाम उस पे कोई लाइसेंस पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसी के नाम से गोदाम पे एक गोदाम का लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। उस बिना लाइसेंस के गोदाम पे कार्य हो रहा था, जिसमें सारी दवाएं मिली हैं, जो किसी भी दवा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कहां से आती हैं, कहां को जाती हैं, पता नहीं, क्योंकि ना तो मालिक उसका हाजिर हुआ और ना मकान मालिक हाजिर हुआ, दोनों लोग नहीं हाजिर हुए कोई, और सारी दवाइयों को सीज कर दिया गया है। और नारकोटिक्स कुछ आइटम इसमें नारकोटिक्स ट्रामाडोल और उस टाइप के इंजेक्शन, ट्रामाडोल के कैप्सूल्स तथा कोडिन के आइटम भी मिले हैं, जिसको सील करके NDPS में FIR की जा रही है। सर, टोटल कितने का सर होगा ये? कितना हमारे लगभग 2 करोड़ के आसपास का माल है जो सीज किया गया। सर, इसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह भी नहीं? इंजेक्शन का कोई आइटम नहीं है, खाली एंटीबायोटिक्स है, ट्रामाडोल है और कोडिन के आइटम। कितना बड़ा गैंग और गैंग स्टेम हो सकता है? और भी अभी आगे आगे सूचना चलती रहेगी और कार्रवाई करती जाएगी। सर, कितने समय से ये कार्य कर रहा होगा? ये करीब इसके हिसाब से, जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि 2 या 3 महीने के लॉकडाउन का ही असर है। इससे ज्यादा क्योंकि मकान मालिक ने भी जो आगे पता चला 2 महीने से ही काम कर रहे हैं। उसमें कोई गिरफ्तार भी हुआ है? सर, हाँ, एक आदमी गिरफ्तार हुआ। सप्लाई कहाँ कहाँ करते थे पुलिस की जानकारी? इसकी जानकारी कुछ नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पूर्व सभासद बता रहे सर उसको जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जानकारी मिली।